जिंदगी में हार जब तक नहीं होती जब तक आप हारते हैं। हार तब होती है जब आप हार मान लेते हो। अपने जीवन में से अफसोस शब्द को हटाओ, क्योंकि वह हमें बहुत कुछ करने से रोकता है। निरंतर मेहनत करते जाओ, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एम पी ब्लॉगर सुमन में। तो आज फिर से स्वागत है आप लोगों का। फिर से मैं सुबह एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, डेली का हमारा रूटीन है। तो मैंने बना लिया है गर्म पानी, का मतलब है कि गर्म कर लिया। जब मैं चाय बनाती हूँ तो उसके पहले मैं एक गिलास गुनगुना पानी निकाल लेती हूँ, डेली पीती हूँ। और पहले भी मेरा वज़न कम हो चुका था, पहले भी मैंने एक बार किया था ट्राई, तो 3 महीने तक मैंने लगभग गुनगुना पानी पिया था सुबह, तो मेरा वज़न बहुत अच्छे से कम हो गया था। तो इस बार मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ और मुझे पता है कि हो जाएगा। तो आप लोग भी ट्राई करिए, अगर आप लोग पतले होने की सोच रहे हो तो सुबह एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर से ज़रूर पीजिएगा। हो सके तो दोपहर में एक दो गिलास जब टाइम मिले तब पी सकते हो, लेकिन सुबह का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सबसे पहले जब मैं किचन में आती हूँ तो सबसे पहले यही काम करती हूँ, एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद कुछ काम करती हूँ। तो अभी मुझे खाना वाना बनाना है, तो आज संडे है तो मैं रोटी सब्जी तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन आज मैं क्या बनाऊँगी पता है? आज बनाऊँगी नाश्ते में पोहा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा और चाय नाश्ते में। तो सबसे पहले क्या करूँगी, सिंगदाने जो मैंने छीले थे ना कल, उन्हीं सिंगदाने का यहाँ इस्तेमाल करूँगी। तो सिंगदाने को मैं भून लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। इधर हमारी चाय भी बनकर रेडी हो रही है। तो फ्रेंड एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको जब कभी भी टाइम मिल जाए आप 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटा एक्सरसाइज कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम रात जब भी आपको मिले। और हो सके तो खाना खाने के बाद टहल भी लो, इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। तो मैं गई थी टहलने के लिए आज, और एक्सरसाइज आज हमने नहीं करी क्योंकि आज हम गए थे बाहर घूमने के लिए, हमको टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आज संडे को टाइम नहीं मिल पाता, संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो ये देख लीजिए, प्याज व्याज को हम भुनने के लिए डाल देते हैं तो वो भुन जाएगी, फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने पोहे। तो वैसे तो डेली में मैं पोहा नहीं खाती हूँ, आप लोगों को पता है डेली में पोहा नाश्ता मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज है संडे तो आज मैं रोटी दोपहर में बनाऊंगी। तो सुबह मैंने सोचा कि पोहा बना लेती हूँ। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो, अच्छे हो कि नहीं हो, और आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है? आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हर जगह कूलर पंखे फैल हो रहे हैं। तो चलिए चाय छान लेती हूँ पहले, फिर मैं उसमें चीनी डाल देती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो फ्रेंड, आप लोग करते नहीं हो। टमाटर को भी ऐड कर देते हैं। टाइम था तो मुझे कुछ काम से बाहर जाना था, कहीं पे जाना था किसी के घर पे, तो आप लोगों को भी बताऊंगी मैं, आप लोग बने रहिए लास्ट तक हमारी वीडियो पे। तो सुबह का टाइम था, सुबह तो मैं टी शर्ट और पजामी पहनी हुई थी, लेकिन बाहर गए थे तो साड़ी पहन के गए थे। तो चाय पोहे हमारे नाश्ता रेडी हो गया है, तो हम फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और फिर दोपहर का खाना खाएँगे। फिर खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे और फिर उसके बाद हम निकलेंगे, ठीक है? तो ये देख लीजिए, फटाफट से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और आप मिल रही हूँ आप लोगों से दोपहर में। तो आज मैं आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या खाया दोपहर से रात तक। तो आप भी बना रही हूँ सिर्फ दाल चावल, रोटी नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है। तो थोड़ी बहुत खाने में डाइट करेंगे और ऐसा खाना खाएंगे जो हल्का हो। तो दाल को मैं छौंक रही हूँ, चावल मैंने इस वाले कुकर में रख दिए हैं, दाल को मैंने पहले ही बॉइल कर लिया था। और चलिए फटाफट से इसको छौंक देते हैं। तो आज मैं मसाला पीस के छौंक रही हूँ, कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ मसाला पीस के। वैसे मैं कट करके बनाती थी प्याज लहसुन हरी मिर्ची, और ये देख लीजिए लाल मिर्ची और गरम मसाला भी डाल दिया है हमने इसमें। तो ये थोड़ा सा पक जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो दाल पकी हुई है वो। तो ये देख लीजिए, और मैं जिन यूट्यूबर का वीडियो देखती हूँ और जिन यूट्यूबर से मैं मतलब देख के सीखी हूँ, तो उन्होंने एक बात कही है बहुत अच्छी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला है कि मन पे काबू रखना चाहिए, जैसे कि हमारा मन करता है ये खाना वो खाना, हमारा मन करता है एक्सरसाइज मत करो, तो मन पे जिसने मन पे काबू कर लिया ना तो वही कुछ भी पा सकता है वो। और एक बार अगर हमने ठान लिया ना कि हम ये काम करेंगे और वो हमको करना ही चाहिए तो ही कुछ हो पाएगा। तो मैं हींग भी डाल देती हूँ दाल में, हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद मैं उनसे ही वीडियो सीख सीख के बनाती हूँ, मतलब सीख सीख के नहीं, वो भी मेरे साथ की ही थी, लेकिन उन्होंने कुछ अलग ट्रैक पकड़ा और मैंने कुछ अलग, तो वो अभी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उनके जैसी ही मैं भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ।
तो बस वही कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। तो क्या हुआ, मैंने दाल को छौंक दिया, तेल हो गया तो घर में ख़त्म। तो देखो जो भी बात है वो आप लोग मेरी फैमिली हो तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो मैंने तेल ख़त्म हो गया था, दाल छौंक दी थी मैंने फिर, और उसके बाद फिर क्या हुआ था पता है, उसके बाद मैंने कहा चलो एक चम्मच घी डाल के चावल बना देती हूँ तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग आएगा और अच्छा भी आएगा। तो चावल को मैं 2-3 बार धो लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद हम चावल बनाएंगे। और खीरा बीरा था नहीं और अभी मिल भी नहीं रहा है क्योंकि गर्मियों में खीरा बहुत कम मिलता है, मिलता है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, 40-50 रुपये किलो मिलता है, तो मैं लेके नहीं आई हूँ। तो फटाफट से हम चावल छौंकते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये देख लीजिए, ये है आज का हमारा खाना, दाल चावल और ये है प्याज और आम। तो ये हम दोनों एक ही थाली में खाते हैं खाना, तो ये हम दोनों के लिए हो जाएगा इतना आसान आराम से। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। तो मैंने आप लोगों को बोला कि तो हम बाहर जाने वाले हैं तो हम जहाँ पर गए थे वहाँ का खाना आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, लौकी की सब्ज़ी है, रोटी है और छाछ है। तो हम लोग खा पी के सो गए थे, फिर वहाँ से निकले सुबह। तो हमने कहा चलो सुबह टहलते हुए निकलते हैं। तो सब लोग खा रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, तो ये देख लीजिए। और फिर हम वहाँ से निकले सुबह क्योंकि लेट हो गया था, कुछ काम था इसलिए हम लोग लेट हो गए थे। तो वहाँ से निकले सुबह, तो सुबह ये देख लीजिए, मैंने बोला था ना साड़ी पहन के गई थी मैं, तो ये वाली साड़ी पहन के गई थी मैं। वहाँ से आ रही थी, जहाँ पर रिक्शा मिलता है वहाँ से थोड़ा दूर है, तो पैदल पैदल चलते आ रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ही भी वीडियो शेयर कर दूँ और हमारी वॉक भी हो जाएगी, मॉर्निंग वॉक। वैसे टाइम नहीं मिलता जाने का, तो ये मैं जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी ये चल रहे हैं सामने, ये देख लीजिए। और अभी बज रहे हैं करीबन 5:30 बज रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर बहुत कम शोर शराबा है वरना यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज का वीडियो इतना ही है, छोटा सा ही बनाया था क्योंकि आप लोग देखते हो नहीं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।